चलिए अब अपनी बारी है एग्जाम्पल्स करने की. थ्योरी तो बहुत पढ़ ली कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर अब इनको हम यूज करके देखते हैं. चलो फर्स्ट कंपाउंड, इसमें ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, और यदि मैं नंबरिंग करूँ तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और ये H. ये कीटो फॉर्म है, इसको हम बोलेंगे कीटो फॉर्म, इसको बोलेंगे इन ऑल. डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, इसे इन ऑल फॉर्म. और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है जिसको हम कीटो बोलेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, हम इसको कीटो ग्रुप बोलेंगे. तो दिस इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, दिस इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. अब यहां पे आप देख रहे हो फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहां पे OH बन गया, और पाई बॉन्ड सिर्फ ऐसे फ्लिप हो जाता है. अब देखो पाई बॉन्ड इधर था तो अब इधर हो गया. इस कार्बन ने ओ के साथ बनाया था, इस कंपाउंड में उसी कार्बन ने इस साइड कार्बन से बना लिया. अब इसका आप बनाओ, पहले अपनी नोटबुक में आप ट्राई करो, फिर मैं बना के दिखाती हूं. यहां पे भी आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पे दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, इससे हम किसी भी साइड से कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा COH और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म. यहाँ पे अब आप एक चीज और देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यदि आप पाई बॉन्ड देखोगे तो ये एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड गिनोगे तो भी उतने ही आएंगे, और यदि लोन पेयर्स गिनोगे तो वो भी उतने ही आएंगे. दोनों कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर सेम होंगे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1, 2, 3, मतलब ये ट्रायड सिस्टम है. 1, 3 शिफ्टिंग होगी हाइड्रोजन की, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा. तो क्या बन गया ये CH3 एच यहां का चला गया और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये एच किससे जाके अटैच हुआ OS से. तो इसको भी हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलेंगे. ये 1, 3 शिफ्टिंग है, ये ट्रायड सिस्टम है, और आप यहां पे देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन जो है कार्बन से शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे गया है. यहां पे यदि आप बात करते हो तो यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, ना तो अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, इससे यहां पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा. इस CHO ग्रुप के पास वाला कार्बन ये है, इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, पर यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है. तो यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, नो टॉटोमेरिज्म. इधर आओ, यहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप है पर यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर ये तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, और ये 1, 2, 3, तो यदि ऐसी शिफ्टिंग हमने करा दी तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा C के साथ OH हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये हो गया CH2. इस केस में यदि आप देखोगे तो CO ग्रुप तो है पर अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा. इस वाले केस में आपको ये CH2 दिख रहा है, इस साइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके इस साइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर इसमें अल्फा हाइड्रोजन है. ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे 1, 3 शिफ्टिंग होगी, तो आपके पास जो टॉटोमर बनेगा वो ऐसा बनेगा. यहां पे मान लो अपन ने शिफ्टिंग करा दी तो डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा. अब यहां पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जा रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा रही है, चिलेशन हो जा रहा है, तो ये काफी स्टेबल सिस्टम है. उसके बाद यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, इससे यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी है, हम चाहे जो लिख दें. तो यहां पे क्या होगा, ये ओ का पाई बॉन्ड टूट गया, यहां पे एच आ गया यहां का, इसलिए पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. तो ये 1, 2, 3, तो 1 से चला गया 3 पे और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. इस वाले केस में आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसके पास दो अल्फा कार्बन इधर है, इसके पास दो अल्फा कार्बन इधर है, पर उनके पास हाइड्रोजन एटम होते हुए भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन एटम शिफ्ट नहीं होगा, डबल बॉन्ड वाले में एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा, तो इसलिए ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा.
इधर आओ, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में अपन ये अल्फा ले लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ले लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है। तो हम जो टॉटमर बनाए वो वैसा बनाए जहां पे ज्यादा हमको कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल रहा हो, ज्यादा स्टेबल सिस्टम मिल रहा हो। तो अपन ऐसा करते, इसको OH कर लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेते हैं, इसको OH कर लेते हैं और यहां पे डबल बॉन्ड कर लेते हैं। ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो नेचुरली यहां का जो हाइड्रोजन है वो मैंने यहां शिफ्ट किया और यहां का जो हाइड्रोजन है वो मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया, इसलिए ये इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। मैं इसके दूसरे इनॉल फॉर्म भी बना सकती हूं, बट दिस इज अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इस केस में देखा जाए तो यहां से और यहां से दोनों साइड ये भी अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहां ऐसा डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये OH हो गया, इसका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये OH हो गया, इसलिए ये भी बहुत स्टेबल इनॉल फॉर्म बन गया। इस वाले केस में हमारे पास में ये 1, ये 2, ये 3, तो हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां से शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, अब पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, इसलिए इसका टॉटोमर क्या बनेगा, एक बेंजीन रिंग, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड O। अभी तक हमने जितना किया था हम कीटो से इनॉल में गए थे, अभी हम यहां इनॉल से कीटो में गए हैं। ये इनॉल फॉर्म था और ये कीटो फॉर्म था, हम इनॉल से कीटो में गए हैं। पर हर केस में आप देख रहे हो जो सेकंड कार्बन है, यहां पे भी आप देखो इसको 1 2 3 बोला था तो इसको भी 1 2 3 बोल रहे हैं। सेकंड वाले ने डबल बॉन्ड थर्ड वाले कार्बन से बनाया था और इस वाले में सेकंड वाला जो डबल कार्बन है वो इधर फर्स्ट जो एटम है ऑक्सीजन उसके साथ, मतलब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती, वो यहां थी अब यहां चली गई और जहां पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा वहां का ही हाइड्रोजन निकल के इधर आ जाएगा। तो यहां पे हमने इनॉल से कीटो फॉर्म बनाया है। इस वाले केस में भी आप देखोगे तो हमने क्या बनाना है, इसमें भी हमारे पास CH3, फिर ये CH, फिर डबल बॉन्ड N, ये OH और ये सेम यहां पे, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और H इधर शिफ्ट होगा। तो इसलिए हम यहां पे क्या बनाएंगे, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, इसे हम लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड NOH। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, इसको बोलते हैं नाइट्रो एसी नाइट्रो या सुडो नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो सिस्टम। तो ये सारे एग्जांपल्स आप ध्यान से देखो तो 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वहां से H निकल के वहां जा रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पर पोजीशन जो है शिफ्टिंग की वो 1 से 3 पर ही जा रहा है और पाई बॉन्ड ट्विस्ट हो जा रहा है, पहले इस साइड था तो अब इधर हो जाएगा और यदि पहले इस साइड था तो अब इधर हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप नोट करो, मैं आपको और एग्जाम्पल्स भी दे रही हूं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब यहां पर आप देखो OH है और डबल बॉन्ड है ना, मतलब ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म से अपने को कीटो फॉर्म पर जाना है ना, तो इनॉल से कीटो फॉर्म पर जाएंगे तो ये पाई बॉन्ड जो इधर है उसको मैं बस इधर शिफ्ट कर दूंगी और ये 1, ये 2 और ये 3, तो मैं हाइड्रोजन को 1 से 3 पे शिफ्ट कर दूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये टॉटोमर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड O आ गया, यहां पे एक एच आ गया और यहां पे ऑलरेडी CHCl2 था। अब ये कीटो फॉर्म हो गया, दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज इनॉल फॉर्म, मैंने इनॉल को कीटो फॉर्म में किया, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां की जगह यहां कर दी और हाइड्रोजन फर्स्ट से थर्ड जगह थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। यहां पे बहुत सारे डबल बॉन्ड है और बहुत सारे OH है, तो इसका जो सबसे स्टेबल मोस्ट स्टेबल फॉर्म रहेगा वो ये रहेगा,
ये इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बन जाता है. यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है. यहां से आपने OH जो O का H हटा है, ये पाई बॉन्ड यदि इधर शिफ्ट हुआ है तो यहां पे एक H आ गया होगा, एक H यहां आ गया होगा, एक H यहां आ गया. इसके ऑलरेडी फोर बॉन्ड्स बने हुए, इसके ऑलरेडी फोर बॉन्ड्स बने हुए, इसके ऑलरेडी फोर बॉन्ड्स बने हुए. यहां पे एक H लगेगा, यहां पे एक H लगेगा और एक यहां पर H लगेगा. तो आपके सारे नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है. इस वाले केस में यदि आप देखोगे, ये इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है. मोस्ट स्टेबल, दूसरे भी बन सकते हैं पर वो स्टेबल नहीं होंगे, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है. यहां पे हमने OH को, यदि OH को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये पाई बॉन्ड यहां की जगह यहां शिफ्ट हो गया, तो ये वन, ये टू, ये थ्री, तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया. तो आप समझ सकते हो, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है और एक हाइड्रोजन यहां है, और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई. ये पाई बॉन्ड इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर गया. अब यदि इसकी बात करें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास में ये कार्बन है, यहां पे ये ब्रिज हेड है, ये भी ये ब्रिज हेड है. ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन भी यूज नहीं होगा और पाई बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन भी यूज नहीं होगा. ये वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये हम जब यूज करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो कौन सा कंपाउंड होगा, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, यहां कुछ नहीं होगा, ये OH हो जाएगा और ये इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा. मतलब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये यहां का जो हाइड्रोजन था वो यहां शिफ्ट हो गया. वन टू थ्री, वन थ्री शिफ्टिंग हो गई. यहां पर आप देखोगे टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो यहां पे CO लगा हुआ है, यहां पे ब्रिज हेड है तो वहां का अल्फा हाइड्रोजन यूज नहीं हो सकता, और ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए इस वाले कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा. आप इधर आओ, इधर यदि आप देखते हो तो हम यहां पर टॉटोमेरिज्म कैसे कर सकते हैं. हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं यहां से देखो, ये सी एच डबल बॉन्ड ओ है, ये ओ है, तो मैं ये इसको वन ले लेती हूँ, इसको टू ले लेती हूँ और इसको थ्री ले लेती हूँ, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि शिफ्टिंग तो वन थ्री शिफ्टिंग है. तो हम यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, ये इसको हमने नहीं टच किया और ये हो गया डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे लग गया एच. तो आप देखो वन टू थ्री, यहां पे ये इनॉल फॉर्म है, तो जब इनॉल से हम कीटो फॉर्म बनाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से हाइड्रोजन निकल के ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर चला जाता है. तो ये एच यहां आ गया और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. इस वाले केस में क्या होगा, यहां पे आप देखो ये इधर शिफ्टिंग जब मैं कराऊंगी तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये एच इधर आएगा. तो यहां पर क्या बन गया, ये बहुत सिंपल सी चीज है, हर बार 1-3 शिफ्टिंग है. यदि इनॉल से कीटो बनाना है तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकाल के कार्बन पे लगाना है, यदि कीटो से इनॉल बनाना है तो कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के ओ पे लगाना और पाई बॉन्ड को सिर्फ शिफ्ट करना, ट्विस्ट करना है. पाई बॉन्ड यहां था, अब यहां बन गया. इस वाले केस में ये पाई बॉन्ड है और ये, तो यहां पे ये 1, ये 2 और ये 3, तो जो हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां जाएगा और पाई बॉन्ड इधर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान से देखो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यहां कोई भी डिफरेंट चीज नहीं हो रही है. ये यहां जुड़ गया और ये OH बन गया, यहां का हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई 1 से 3 पे और जो पाई बॉन्ड था वो दूसरी साइड शिफ्ट हो गया, तो वो 2 और 1 के बीच में पाई बॉन्ड बन गया. इस वाले केस में देखोगे आप तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होने लायक नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में यहां पर है, इसके रेस्पेक्ट में भी यहां पर है, 1 2 3 1 2 3. तो दो पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है यहां पर. एक पॉसिबिलिटी है कि मैं ये ऐसे कर दूं, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती,
यहां पे यदि मैं करती हूं तो मैं क्या बनाऊंगी, ये OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पे CH3 और यहां पे डबल बॉन्ड O। यहां पे जो एक हाइड्रोजन था उसको मैंने वहां शिफ्ट किया और पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया। दूसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो हो सकता था ये यहां पे ऐसे, इसको मैं ऐसे ही रहने देती, CH3 ऐसे ही रहता और यहां पे आ जाता मेरे पास डबल बॉन्ड और ये हो जाता OH और ये डबल बॉन्ड हो ऐसे ही रहता। तो मैंने एक बार इसके साथ इसको यूज कर लिया, एक बार इसके साथ इसको यूज कर लिया, तो ये मेरे पास दो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इस वाले केस में भी बच्चों देखो ये भी डबल बॉन्ड है, तो मेरे को क्या करना है, डबल बॉन्ड यदि यहां शिफ्ट करना है तो नेचुरली इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करना है। ये भी 1-3 शिफ्टिंग ही हो गई, तो मेरा प्रोडक्ट हुआ CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। सिर्फ ये 1, ये 2, ये 3, तो हाइड्रो यदि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो नेचुरली वहां वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है। इस वाले केस में आप देखोगे मैं यहां से OH बनाऊं कि यहां से बनाऊं, तो इसमें क्योंकि यहां से क्रॉस कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है इसलिए मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, जो मैं आगे भी और डील करने वाली हूं आपसे, ये CH3 हो गया, ये COH हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे CH3 हो गया, यहां पे C डबल बॉन्ड O हो गया, ये OC2H5 हो गया और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो यहां पे ये भी अल्फा था और ये भी अल्फा था, पर हमने इस अल्फा को यूज नहीं किया, हमने इस अल्फा को यूज किया क्योंकि ये अल्फा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, इसे मैंने इसको यूज किया और इससे अच्छा मैंने इस साइड यूज किया क्योंकि यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन से मुझे कम रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन मिल रहा था। अब यदि आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो इन दोनों में एक बार मैंने यहां से यूज किया, अब मैं यहां से यूज करती हूँ, इनॉल फॉर्म है, मैं इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, तो ये डबल बॉन्ड यदि इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये H में इधर शिफ्ट कर दूंगी, वही 1-3 शिफ्ट है जो हम बार बार कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा रहा, ये एज इट इज रहेगा, ये CH3 है, यहां पे मैंने डबल बॉन्ड O करा और यहां पे H किया, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंने यहां पे बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिए और फिर मैंने जो है रेजोनेंस बनाया है यहां पे, जो टॉटोमर बनाया है, तो थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट है, बस पाई बॉन्ड की पोजीशंस में डिफरेंस है और CH3 डबल बॉन्ड O की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस वाले केस में अपन देखें तो ये पाई बॉन्ड यदि मैं यहां पे ही शिफ्ट कर पाऊंगी क्योंकि इसके पास H है, ये पाई बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे H में यहां नहीं ले सकती, तो यदि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इससे वहां से H निकल के यहां आएगा और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो मेरे पास ये रिंग बनती है, यहां पे डबल बॉन्ड आता है, यहां पे OH आता है और बाकी ये दोनों चीजें ऐसी की ऐसे ही रह जाती है। तो मैंने यहां से H निकाल के इसको लगा दिया क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसे यहां से लगा के इधर कर दिया और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया। इस वाले केस में आप देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, 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 पर मुझे पता है ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मुझे यहां से मिलने वाला है, इससे यदि मैं ज्यादा मोस्ट स्टेबल दो, जो ज्यादा स्टेबल दो स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर ये आता है, और एक स्ट्रक्चर ये आता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो ये हाइड्रोजन यहां ले गई, देखो, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो इसका हाइड्रोजन मैं यहां ले आई, तो ये मेरे पास दो पॉसिबल टॉटोमर्स जो ज्यादा स्टेबल दिखते हैं, इन दोनों को मैं यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि वो बहुत स्टेबल हाइड्रोजन नहीं होंगे, वो जो एसिडिक हाइड्रोजन उनका, उन ये वाले अल्फा हाइड्रोजन का और ये वाले अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर कम है, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि यदि मैं वहां एनायन बनती हूं बनाती हूं तो ये और ये दोनों ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर देते हैं।
तो इस तरह ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये टॉटोमेरिज्म के हैं, जो आप इतने सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद आप समझ ही जाते हो कि हमें सिर्फ पाई बॉन्ड एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट करना है, और जिधर हमने पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है वहां का हाइड्रोजन हटा के और दूसरे एटम पे लगाना है जहां से हमने पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में हमने एक ही चीज की है। अब हम ये देखेंगे कि यदि कीटो और इनॉल फॉर्म दोनों है तो किसका परसेंटेज ज्यादा होगा। नाउ लेट्स कंपेयर comparison of stability of keto and enol form of a compound. अभी तक हमने बहुत सारे compounds के keto form बनाए, enol form बनाए, हमने बोला वो equilibrium में है, पर हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, कई बार दोनों सेम परसेंटेज में भी होते हैं, कई बार कोई ज्यादा होता है कई बार कोई कम होता है। ज्यादा कौन होगा, किसका परसेंटेज ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। अब हम कंपेयर करें तो पहली बात यह है कि यदि मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है तो उसका कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होने वाला है। कीटो फॉर्म का मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, मोस्ट ऑफ द मिक्सचर इज कीटो फॉर्म। बिकॉज व्हाई, बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ इज स्ट्रॉन्गर देन सी डबल बॉन्ड सी, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, इसलिए मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में तो कीटो फॉर्म का परसेंटेज ही बहुत ज्यादा होगा। पर दूसरे केसेस में, बट इनॉल फॉर्म फॉर्म्स परसेंटेज विल बी मोर इफ यू हैव सम ऑप्शंस, विल बी मोर और विल इंक्रीज will increase if will increase if enol form is aromatic or enol form is more stabilized due to hyperconjugation, resonance or hydrogen bonding. And what we need to remember for this, OR group will show plus M effect, benzene ring will show minus I effect, R group will show plus I effect. Let's check it, how do we do it? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हम इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को यूज करेंगे क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। यदि मैं इसके अल्फा हाइड्रोजन को यूज करती हूं तो मेरे पास जो सिचुएशन आती है वो ये है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH, यहां पे डबल बॉन्ड लिया, यहां पे OH हो गया और यहां पे CH3 हो गया, और जिसके कारण यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना और ये डबल बॉन्ड जो बना ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो कि मैंने इस कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहां पर फायदा ये हुआ कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया एक, तो इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिला। दूसरा यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक सिक्स मेंबर रिंग बनी है, चिलेशन भी हुआ,
इसलिए इसका इनॉल फॉर्म 76% है। अब मैं इसी को यदि कंपेयर करूं, यदि ये मैंने एक एग्जांपल लिया और दूसरा एग्जांपल यदि मैं लेती हूं, मेरे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहां मैं लेती हूं OC2H5। तो यहां पे हम जो बनाएंगे, एच पॉजिटिव अपन ने हटाया, फिर ये डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे CH, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पे है OC2H5। अब यहां पे हमारे पास ये लोन पेयर्स हैं। अब आप ये देखो, इस नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां स्टेबलाइज किया, यहां स्टेबलाइज किया, इसको जब मैं यहां स्टेबलाइज करती हूं तो यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन भी तो हो रहा है, तो इस साइड उसको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि यहां से क्रॉस कॉन्जुगेशन आ रहा है, इसलिए इसका इनॉल फॉर्म सिर्फ 8% है। इनॉल फॉर्म है पर कम है। जब यहां पे दोनों साइड आर लगे होते हैं तो इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होता है। जब ये हमारे पास ऐसा कीटो एस्टर होता है, ये कीटो है और ये एस्टर ग्रुप है, जब कीटो एस्टर होता है तो इनॉलिक फॉर्म होता तो है पर काफी कम होता है, क्योंकि एस्टर के साइड से उसको क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज नहीं हो पाता। पर यदि मेरे पास डाई कीटोन है, ये जो है ये डाई कीटोन है जिनके बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप है, तो फिर ये डेफिनेटली हमें ज्यादा इनॉलिक फॉर्म देगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, यहां पे आप देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ यहां पर है, यहां अल्फा कार्बन नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे है। यहां से मैं एच पॉजिटिव हटाती हूं तो नेगेटिव चार्ज को दोनों जगह से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, और इस साइड से उसको ना तो कोई पॉजिटिव हेल्प मिल रही है ना कोई नेगेटिव, कुछ भी नहीं हो रहा, बस ये यहां दो जगह से स्टेबलाइज है, इसलिए इसका इनॉल फॉर्म जो है वो इतना स्टेबल है। इनॉल फॉर्म 84% है, कीटो फॉर्म कम है। क्यों है? एक तो यहां पे उसको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिला, नेगेटिव चार्ज आराम से स्टेबलाइज हुआ रेजोनेंस के कारण, अभी इसमें भी रेजोनेंस है इसलिए ये स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 6 मेंबर रिंग बन गई है, इसलिए इसका जो इनॉल फॉर्म है वो 84% है। इसमें और इन दोनों में कंपेयर करो तो यहां पे एक CH3 लगा दिया है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट जो है नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है, हमें वो फैक्टर चाहिए जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे, प्लस आई इफेक्ट जो है वो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, इसलिए इनॉल फॉर्म तो बन रहा है पर इसके कंपैरिजन में कम है वो। यहां पे इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो यहां पे एच है तो यहां पे CH3 है, एच का कोई इफेक्ट नहीं है पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट जो है इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन को गड़बड़ा दे रहा है, इसलिए यहां पे इनॉल फॉर्म बन रहा है पर इससे कम बन रहा है। यहां पे यदि देखूं तो मैंने दोनों साइड बेंजीन रिंग लगा दी है और बेंजीन रिंग का यहां पे माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट जो है इस नेगेटिव चार्ज को यहां पे जो हम यहां पे जो नेगेटिव चार्ज बनाते उसको और ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए आप देखो 100% यहां पे इनॉलिक फॉर्म बना है, और इस कंपाउंड में हम देखेंगे तो यहां पे रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन भी हमें ज्यादा मिल रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो ओवरऑल ये जो इनॉल फॉर्म बना है ये इतना स्टेबल है कि 100% ही इनॉल फॉर्म है, इसमें पूरा का पूरा इनॉल फॉर्म है। यहां पे हम देखेंगे तो माइनस आई इफेक्ट फेवर कर रहा है, ये यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां से प्लस आई इफेक्ट हो रहा है और यहां से माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, तो कुल मिला के जो हमारा इनॉल फॉर्म बन तो रहा है पर वो सिर्फ 32% है, क्योंकि ये भी नेगेटिव फैक्टर है, ये भी नेगेटिव फैक्टर है, सिर्फ ये एक फेवरेबल फैक्टर है। उसके अलावा ये जरूर है कि जब ये रिंग बन गई है हमारे पास, जब इनॉल फॉर्म बन गया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण चिलेशन हो गया है, स्टेबल रिंग इधर बन गई है, ये बेंजीन के साथ में कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया है, इसलिए यहाँ पे 32% जो हमें इनॉलिक फॉर्म मिला है, इस इनॉलिक फॉर्म को बनाने में इस बेंजीन रिंग का रोल है, इस बेंजीन रिंग के कारण हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, हालांकि ये यहां पे भी इनॉलिक फॉर्म में स्टेबलाइजेशन आ रहा है, तो इसके कारण ये 32% है, पर आप ये ध्यान में रख लो कि बेंजीन रिंग है तो इनोलाइजेशन को फेवर करेगी।
यदि अल्फा कार्बन पे बेंजीन रिंग लगी है तो एनोलाइजेशन को फेवर करेगी, ओआर ग्रुप फेवर नहीं कर रहा है और प्लस आई भी बहुत ज्यादा फेवर नहीं करता है, पर आर ग्रुप ओआर से ज्यादा फेवर करता है एनोलाइजेशन को। तो अपने पास यदि ओआर है, मिथाइल है और यदि हमारे पास में बेंजीन रिंग है तो सबसे ज्यादा फेवर कर रही है बेंजीन रिंग, उसके बाद आर ग्रुप, उसके बाद ओआर ग्रुप। ये आप ध्यान में रख लोगे तो कोई भी कंपैरिजन इजी हो जाएगा। अब इस केस में देखो, यहां पे बेंजीन रिंग है, यहां मिथाइल है, यहां मिथाइल है, यहां बेंजीन रिंग है, इसलिए बेंजीन रिंग के कारण हमें जो स्टेबलाइजेशन मिल रहा है बेंजीन रिंग के कारण मिल रहा है, प्लस यहां पे रिंग बन जा रही है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, जो सिक्स मेंबर रिंग भी है जिसमें चिलेशन भी है, तो 95% इनोलिक फॉर्म बन रहा है। यहां पे आप देखो तो यहां पे सिर्फ इसके या इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे तो है ही नहीं, तो हमने ऐसे जब बनाया इसका इनॉल फॉर्म बनाया तो इसका इनॉल फॉर्म भी बहुत स्टेबल इनॉल फॉर्म बनता है, क्योंकि यहां तो फाइव मेंबर रिंग भी बन रही है और ये एरोमेटिक हो जा रही है, ये जो सिस्टम है यहां पर 2π इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसको इनॉल फॉर्म जब ये बनाया गया तो ये एरोमेटिक हो जा रहा है, इसलिए इसका इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों को भी कंपेयर करें तो इसका इनॉल फॉर्म एरोमेटिक हो गई, ये पूरी रिंग एरोमेटिक हो गई है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये कीटो फॉर्म लेस स्टेबल है, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। यहां पर यदि देखें तो सिंगल है, ये मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, जितने भी मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे उनमें कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल, इसमें भी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल, इसमें भी कीटो फॉर्म ज्यादा इसमें स्टेबल, इसमें भी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल और इसमें भी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल, जबकि इन सारे केसेस में इसमें इनॉल ज्यादा स्टेबल, इसमें इनॉल, इसमें इनॉल, इसमें इनॉल फॉर्म 95% दिख ही रहा है, इसमें इनॉल फॉर्म 32% ही है बिकॉज ऑफ सो मेनी नेगेटिव फैक्टर्स, इसमें 100% है, इसमें 80% है, इसमें 84% है। तो ये सारे एग्जांपल्स देख के आपको ये समझ में आ गया है अब कि जब आपको इनॉल फॉर्म का कंटेंट पूछा जाएगा तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे, आप ये देखोगे यदि एरोमेटिक कुछ बन रहा होगा तो इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा या उसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, यदि वहां पे बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा अल्फा कार्बन पे तो इनॉल फॉर्म बढ़ेगा, यदि अल्फा कार्बन पे आर ग्रुप होगा तो इनॉल फॉर्म बनेगा तो सही पर थोड़ा परसेंटेज कम होगा कंपेयर टू जब बेंजीन रिंग लगी थी, और यदि आर और ओआर में कंपेयर करोगे तो ओआर के कारण इनॉल फॉर्म का परसेंटेज कम होगा कंपेयर टू जब हमने आर ग्रुप लगाया होगा। तो ये सारी चीजों को मिला के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत होंगे ही नहीं। तो आप ये सारे देखो कि मैं क्या कर रही हूं, यहां पे मैंने सब कंपाउंड्स के इनॉल फॉर्म बनाए, अब यहां पे देखो कोई भी, यहां पे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन था, ना कोई मिथाइल था, ना कोई ओआर था, ना कोई बेंजीन रिंग थी, तो आप देखो इनॉल फॉर्म बना 84%, यहां पे क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप था उसके कारण इनॉल फॉर्म का परसेंटेज कम हो गया, उसके बाद जब बेंजीन रिंग लगा दी हमने दो दो बेंजीन रिंग तो इनॉल फॉर्म का परसेंटेज पूरे 100% फिनॉल हो गया, ये इनॉल फॉर्म हो गया। तो इस तरह आप देखो कि कौन से ग्रुप लगाने से इनॉल फॉर्म का परसेंटेज कम हो रहा है और कौन से ग्रुप्स लगाने से इनॉल फॉर्म का परसेंटेज बढ़ रहा है, पर ये पक्का है कि मोनोकार्बोनिल ग्रुप्स में जो है कीटो फॉर्म ज्यादा परसेंटेज में होता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में भी कई बार होता है, कई बार 99.99% भी हो जाते हैं, क्योंकि CO bond is more, much more stable than C double bond C. C double bond O is more stable than C double bond C. चलिए अब अपन ने जो अभी तक सीखा उस पे एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं कि अपने से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन ये दे रही हूं कि in each of the following pairs which will have higher enol percentage? ये दोनों में से किस में enol percentage ज्यादा होगा? आपके पास ये CH3CHO है, ये आपके पास में CH3COCH3 है, तो इसमें इनॉल परसेंट किस में ज्यादा होगा? इसमें CH3 थोड़ी सी हमने देखा था गड़बड़ करता है, इसलिए हमारे पास इनॉल परसेंट इसमें ज्यादा होगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं, ये जो केस है इसमें ये लगे हुए हैं, यहां ये डायएस्टर है, इसमें दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसमें एक ही है,
तो एक वाले में कीटोन का परसेंटेज ज्यादा होता है, कीटो फॉर्म का, और जहां पे भी हमारे पास चाहे वो डायस्टर हो चाहे वो डाइकीटोन हो, उनमें इनॉल कंटेंट जो है ज्यादा होगा. तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच विल हैव हायर इनॉल कंटेंट, इसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा. अभी हमने जितना भी पिछला डिस्कशन किया उसमें हमने देखा था कि यदि दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में CH2 है तो उसको दोनों साइड से स्टेबलाइजेशन मिलेगा, इसलिए इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा. यह भी हमने किया था. यहां पे आप देखो, यहां पे दो एस्टर लगे हुए हैं, दो एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं CH2 पे. यहां पे एक तरफ एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ ये, इसका मतलब ये कीटो एस्टर है. तो इस ये और ये ग्रुप कंपेयर करें, यदि इसमें दोनों ये लगे हुए हैं, इसमें एक CH3 लगा हुआ है, इसलिए इसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, इसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा. मैंने आपको बताया था ओ आर से इनॉल परसेंटेज कम होता है, आर से इनॉल परसेंटेज ओ आर के कंपैरिजन में बढ़ता है. इस वाले केस में यदि डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस है NO2 और Cl, बाकी सब चीजें सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, NO2 और Cl है. NO2 का माइनस आई इफेक्ट जो है Cl के माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है, और हमने अभी देखा था कि माइनस आई इफेक्ट जो है इनॉल फॉर्मेशन को फेवर करता है, प्लस आई कम करता है, प्लस एम और भी कम करता है. तो यहां पे इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा. और यदि इन दोनों को देखें तो यहां पे दोनों मिथाइल है, यहां पे एक फिनाइल है, फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई, इधर दोनों का प्लस आई. हमें पता है कि बेंजीन रिंग इनोलाइजेशन को फेवर करेगी, इसलिए इसमें इसका कंटेंट ज्यादा होगा. अब इन दोनों की यदि बात करें तो पहले अपन इसका बना लेते हैं. इसका जब मैं बनाऊंगी इनॉल पार्ट, फर्स्ट वाले का इनॉल पार्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये तो यही है, ये OH हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पे OCH3 हो जाएगा, ये फर्स्ट का. और इसका जो बनेगा सेकेंड वाले का बनेगा वो ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड C, यहां पे OH, यहां पे OCH3 और ये यहां पे. अब ये देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है और इसमें कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, इसलिए इस वाले का इनॉल परसेंटेज इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे इनॉल फॉर्म में देखो कॉन्जुगेशन आ रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है. इसमें यदि अपन देखें, यदि मैं फर्स्ट का इनॉल फॉर्म बनाती हूं तो मैं ऐसे बनाती हूं, ये यही रहेगा, ये OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड में इधर ले लूंगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज लूंगी. और सेकेंड वाले का इनॉल फॉर्म जो बनेगा अब ये देखो, इस ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, और पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, इसलिए ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक बन गया. इसमें एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, ना तो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ना यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा. वैसे ही यदि इस वाले केस में मैं फर्स्ट वाले का इनॉल बनाती हूं, ये एक पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाता है. और इसका यदि इनॉल फॉर्म में बनाऊंगी तो वो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे OH आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. तो इसके इनॉल कंटेंट में तो हमें कॉन्जुगेशन मिल ही नहीं रहा है, एरोमेटाइजेशन हो ही नहीं रहा है, पर यहां पे यदि मैं इनॉल फॉर्म बनाती हूं तो देखो पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाता है, इसलिए इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा. अब ये यहां पे एक और क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट. अब मैं यदि इनॉल बनाती हूं इनका, तो फर्स्ट वाले का इनॉल बनेगा ऐसा, सेकेंड वाले के लिए मैं इनॉल बनाऊंगी यदि और थर्ड वाले के लिए हम बनाएंगे तो
अब इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो थर्ड वाला दिख रहा है, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा रहेगा। अब बचे ये दोनों, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है ये आर ग्रुप माना जा सकता है, ये आर ग्रुप है। मैंने आपको बोला था यदि आर ग्रुप लगता है तो आर ग्रुप के कारण इनॉल का कंटेंट कम हो जाता है, तो इसलिए यहां पे थ्री में सबसे ज्यादा, फिर वन में और फिर टू में यहां पे इनॉल कंटेंट का परसेंटेज ऐसा रहेगा, क्योंकि ये भी मोनोकार्बोनिल है, ये भी मोनोकार्बोनिल है, ये तीनों ही मोनोकार्बोनिल है। तो मोनोकार्बोनिल ग्रुप से लगा क्या हुआ है, मोनोकार्बोनिल ग्रुप से यहां पे बेंजीन रिंग लगी हुई है, यहां पे आप एल्काइल साइक्लो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई इफेक्ट है, और यहां पे हम देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन यहां पे ज्यादा है, तो इसलिए ये गड़बड़ कर रहा है, तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ रही है, क्योंकि तीनों ही मोनोकार्बोनिल से, इसलिए हमको ऐसा सोचना पड़ रहा है। यदि इन चारों केसेस में देखेंगे यदि अपन, तो इन चारों केसेस में आपको सबके इनॉल फॉर्म बनाओगे तो फर्स्ट वाले का इनॉल फॉर्म जो होगा वो कैसा बन रहा है, ये फर्स्ट वाले का भी है और सेकेंड वाले का, थर्ड वाले का, और फोर्थ वाले का तो फिनॉल है। तो फोर्थ वाले से ज्यादा स्टेबल तो कोई नहीं है क्योंकि फिनॉल बन गया। अब इन तीनों को अपन देखेंगे तो यहां पे बेंजीन रिंग के कारण स्टेबलाइजेशन दोनों को मिल रहा है, दोनों में कॉन्जुगेशन आया है पूरा, पर यहां पे जो सिचुएशन आप देखते हो तो इसमें हमें दो अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे थे, यहां पे चार मिल रहे थे, इसके लिए चार मिल रहे थे, बाकी सिचुएशन सेम है, इसके लिए भी वैसी सिचुएशन है, इसकी भी वैसी ही सिचुएशन है, और यहां पे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये पूरा ऐसे जा रहा है, लोन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये पूरा ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम जा रहा है, यहां पे कॉन्जुगेशन थोड़ा छोटा है, इसलिए हमें दिखता है कि सेकेंड वाला, उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट वाला, और सबसे कम जो रहेगा वो रहेगा कौन सा है, वो थर्ड वाला। तो फोर टू वन थ्री, यदि हम इस आंसर को देखें तो हमें आंसर दिखाई दे रहा है फोर टू वन थ्री, कारण आपको समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा तो ये क्योंकि फिनॉल है। यदि आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां तक आ रहा है, ये लंबा कॉन्जुगेशन है, इसके कंपैरिजन में ये यहां आ रहा है, इसमें ये वाला पार्ट कॉन्जुगेशन का पार्ट या तो यहां हो रहा है या यहां हो रहा है, यहां पे पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। इसे सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फोर, फिर टू, फिर इन, फिर है हमारे पास में वन, और सबसे कम है थर्ड वाला, क्योंकि वहां पे कोई बेंजीन रिंग सपोर्ट करने के लिए नहीं है। यहां पे देखोगे आप तो यहां पे आपके पास में सबसे ज्यादा, यदि मैं इसका इनॉल फॉर्म बना देती हूं, इसका इनॉल फॉर्म बनाऊंगी, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। इसमें यदि मैं यहां पे OH लगा के डबल बॉन्ड करती हूं तो ये सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इस वाले एग्जाम्पल में हो जाएगा, ये एग्जाम्पल अपन ले तो इसका इनॉल फॉर्म सबसे ज्यादा बनेगा, क्योंकि यदि इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं हम तो यहां पे OH रखूंगी या डबल बॉन्ड रखूंगी तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल। इन दोनों में से हमें पता है इसमें ज्यादा होगा, इसमें उसके बाद होगा। अब ये जो है इसमें ऑक्सीजन जो है वो गड़बड़ कर रहा है, ये OR लग गया है, OR हमेशा गड़बड़ करता है, इसलिए फर्स्ट। तो आपके पास में यहां पे जब आपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम, आपने इनॉल फॉर्म बनाया तो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, इससे वो ज्यादा स्टेबल है। फिर ये जो आपके पास तीन है ये मोनोकार्बोनिल है, ये वाले जो मोनोकार्बोनिल्स हैं इसमें दो तरफ मिथाइल लगे हैं, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ OR लगा है और एक मिथाइल है, तो दो, एक मिथाइल और एक OR वो सबसे ज्यादा गड़बड़ करेगा, फिर दो मिथाइल और उसके बाद एक मिथाइल, क्योंकि ओ आर का
प्लस एम इफेक्टिव और मिथाइल का प्लस आई इफेक्टिव, दोनों ने गड़बड़ करना है, प्लस ओ आर ने ज्यादा गड़बड़ करनी है कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। अब यहां आप देखोगे तो सबसे ज्यादा तो इसी में होगा, ये डायकार्बोनिल है तो इसी में इनॉल फॉर्म सबसे ज्यादा होगा। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में अपने को मालूम है एसिडिक हाइड्रोजन निकलना है यहां से, यहां पे एसिडिक ड्यूटेरियम निकलना है। सी एच बॉन्ड इजी टू ब्रेक होता है, सी एच बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है कंपेयर टू सी डी बॉन्ड, क्योंकि डी हेवियर है, इसलिए यहां पे आंसर होगा 3 फिर 1 और फिर 2। तो ये क्वेश्चंस भी यदि कर लिए जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इनॉल कंटेंट और कीटो कंटेंट की स्टेबिलिटी, या किस केस में कीटो ज्यादा इनॉलाइजेशन हो सकेगा, किस केस में कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकेगा ज्यादा, ये हम इन सारे एग्जांपल्स को कर ले तो हमें समझ में आ जाता है।